हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करें डेल्फी पंप के बारे में। ये जो हमारी फोर्स की गाड़ी आती है उसमें लगा होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने मेन पाइप लगाई है और एक 300 बार की नोजल लगाई है। जो हमारी ट्रैक्स आते हैं, फोर्स की ट्रैक्स गाड़ी आती है, उसमें लगा है। तो यहाँ पर हमने 2 बार का इसको प्रेशर दिया है, इनलेट प्रेशर। और यहाँ पर हमने 100 RPM की मशीन चलाया क्लॉक वाइज। और यहाँ पर हमने जो स्टोक रखी है 100 स्टोक रखी है। तो यहाँ पर हमारी जो डिलीवरी है कितनी आनी चाहिए, कितनी आ रही है, वो पूरा चेक करें, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारी जो डिलीवरी आ रही है 100 RPM, हमने 100 स्टोक इसको लगाया है। और यहाँ पे हमारी डिलीवरी आ रही है, वो चेक कर लेते हैं कि हमारी इसकी डिलीवरी पंप की कितनी आ रही है और कितनी आनी चाहिए और इसका कितना प्रेशर होता है, वो पूरा चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 70 CC के आसपास हमारी जो मेन डिलीवरी आई है 100 RPM पे, आप देख सकते हो 100 RPM पे 70 CC के आसपास हमारी जो है डिलीवरी आई है। तो यहाँ पर हम अभी मशीन के RPM बढ़ाते हैं। हमारी यहाँ डिलीवरी देख सकते हो 70-75 के आसपास आ गई है। तो यहाँ पर हम RPM बढ़ाते हैं, अभी 500 RPM करते हैं मशीन के। तो यहाँ पे हमने मशीन के RPM जो 500 कर दिए हैं, और 500 RPM हमारी जो डिलीवरी है वो चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 500 RPM में 100 स्टोक ही रखी हमने क्लॉक वाइज में। और यहाँ पे हमारी डिलीवरी देख लेते हैं कि हमारी जो डिलीवरी कितनी आनी चाहिए, और इसको जो प्रेशर चेक करना डम्मी रेल से चेक कर सकते हो कि यहाँ पर कितना प्रेशर बन रहा है, अगर आपके पास चेक करेगा सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो डिलीवरी है 80 CC के आसपास आ रही है, देख सकते हो आप 80-85 CC के पास हमारी मेन डिलीवरी आ रही है। अभी हम मशीन के जो RPM में 1000 करते हैं, तो यहाँ पे हमने 1000 RPM कर दिया मशीन का, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी हम स्टोक लगाते हैं कि, और हमारी जो डिलीवरी आ रही है वो चेक कर लेते हैं कि हमारी 100 RPM पे, 100 स्टोक पे, 1000 RPM पे डिलीवरी कितनी आनी चाहिए और कितनी आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मशीन को स्टोक लगा दिया है। और दोस्तों यहाँ पर भी हमारी जो डिलीवरी 80 CC के प्लस आ रही है। तो ये पंप की डिलीवरी आती है, जो फोर्स का पंप आता है ट्रैक्स गाड़ी में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी हम 100 RPM करते हैं मशीन के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए 100 RPM हम मशीन की कर लिए। तो आप इस तरीके से पंप को चेक कर सकते हो, और इसकी जो डिलीवरी है उसको चेक कर सकते हो कि इसकी डिलीवरी कितनी आ रही है, कितनी आनी चाहिए। बाकी स्विच को हम करंट देंगे तो ये डिलीवरी आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये ओपन टाइप स्विच है।